नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो भी चीज या जो भी व्यक्ति हमारे पास रहे वो हमें बड़ा सोच समझ के जोड़ना चाहिए, चाहे चेतन हो या अचेतन हो। हम जिसको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं या खुद को जिससे जोड़ रहे हैं, दो बातें हैं ये, तो एक तो आप जुड़ रहे हो और एक व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है। इन दोनों परिस्थितियों में स्वार्थ कहीं नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्वार्थ के साथ कोई संबंध बनाया है, निश्चित मान के चलना स्वार्थ के साथ संबंध बनाया है, चीजें आपके लिए भविष्य में हानिकारक होंगी। ये दुनिया है, यहां हर व्यक्ति मतलब से आता है, यही मान करके चलना। जरूरी नहीं है कि सब मतलब से ही आते हो, लेकिन यही मान करके चलना, हर व्यक्ति अपने मतलब निकलवाने आया है, तब जाकर के आप बच पाओगे, जिंदगी जी पाओगे। ये मैं जो आपको नीति बता रहा हूं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस अनुभव से हर दिन गुजरता हूं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सालों साल हमारे पास नहीं आए, फिर कुछ काम पड़ गया तो आ गए, चलो अपन ने कहा कोई बात नहीं यार, फिर दो साल तीन साल फिर गायब, फिर कुछ काम पड़ गया तो फिर आ गए। फिर मैं समझ गया भैया, अपनी वैल्यू बना के रखो, उससे जुड़ो और उसको ही जोड़ो जो साथी हो, जो स्वार्थी हो ना उससे जुड़ो ना उसको जोड़ो। दुनिया को लगे कि वो आपसे जुड़ चुकी है, लेकिन आप उससे ना जुड़ो। ये स्वार्थ और साथ की परिभाषा बता रहा हूं। होता अक्सर ये कि आप भावुक हो जाते हो, जरा सा किसी ने चार बातें अच्छी कर ली तो आप पिघल गए, आपने स्वार्थी ना समझ के उसको साथी समझ लिया और अपनी सारी बातें शेयर कर ली। उसने धीरे से पूरी व्हाट्सएप चैट रख ली, आपकी वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए, आपकी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली, फिर वो धीरे से फेस चेंज करेगा। जब आप ऊंचे उठ रहे होगे तब वो तुमको नीचे गिराएगा। ये स्वार्थी लोगों की परिभाषा है। मेरा कहना है कि इस दुनिया में हर कोई आपसे मतलब के लिए ही बात करता है। आप भी इस गांव आए हो तो यहां से अगर आप निकले हो तो किससे पूछते हो? किससे नहीं पूछते हो, किससे पूछते हो? लेकिन अब आपका स्वार्थ है तो पूछते हो, भैया आप पान की दुकान कहां है, यहां कपड़े की दुकान कहां है? जब कोई आपके पास चल करके आ रहा है, इसका मतलब है कि वो स्वार्थ से ही आया है। अब वो स्वार्थ दो प्रकार का है, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा स्वार्थ ये होता है कि हम अपने जीवन के विकास के लिए किसी जुड़ना चाहते हैं, ये अच्छा स्वार्थ। मैंने अपना परिवार छोड़ा, मां छोड़ी, पिता छोड़े, गुरु के पास आया हूं, ये मेरा स्वार्थ था, ये अच्छा स्वार्थ था। लेकिन ये स्वार्थ अच्छा नहीं होता है कि आप काम निकालने के लिए जुड़ो, काम निकलने के बाद भूल जाओ। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, इस दुनिया में हर कोई आपसे सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए ही जुड़ता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए जुड़ता है। मैंने बहुत परिस्थितियां देखी अपने जीवन में, चाहे स्टडीज हो, बिजनेस हो, आपकी फैमिली हो, आपका सोशल ग्रुप हो, संबंधी हो, दूर के परिवार के परिजन हो, सब स्वार्थ के ही हैं। जब तक तेरे पास पैसा है सब तुझे पूछेंगे, तेरे पास ओहदा है सब तुझे पूछेंगे, जब ओहदा नहीं है पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। कल मुझसे कोई कह रहा था कि आपके गुरुदेव को पट्टाचार्य पद की घोषणा हो गई है, मैंने कहा वाह, अब तुम कहने आए हो? बोले उनका पुण्य बहुत तेज है, पुण्य बहुत तेज है कि उनका पुरुषार्थ, उनका धीरज बहुत तेज है। सभी चीजों को देखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना जो स्वार्थी होगा वो केवल पुण्य और पैसा और पद देखेगा, आपका व्यक्तित्व नहीं देखेगा। जो साथी होगा वो आपका पद, आपका पैसा,
आपकी इमेज, वो ये नहीं देखेगा, वो देखेगा आपका व्यक्तित्व कैसा है। पहले शादियां होती थी, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता था, ये देखा जाता था उसके इंटरनल गट्स क्या है। पैसा नहीं भी हो तो भी शादी कर देते थे, टिकेगी। अब पैसा देखते हैं, पद देखते हैं, बड़ा बंगला देखते हैं, कितने का पैकेज देखते हैं, साल भर बाद तलाक। क्यों? क्योंकि वो विवाह स्वार्थ से हुआ था। सबसे पहले कहीं शादी करते हैं तो आप ये पूछते लड़के का पैकेज क्या है, लड़का क्या कमाता है, खुद का घर है कि नहीं, अरे देखो उसके पास बुद्धि है कि नहीं। हर रिश्ते को आपने स्वार्थ से जोड़ लिया। स्टडीज कर रहे हैं आप, स्वार्थ से जोड़ रहे हैं तो आप हानिकारक है, लाभदायक नहीं। मैं आपको बताता हूं, दोस्त जब भी बनाना तो ऐसे बनाना जैसे पेड़ की जड़। पेड़ मर जाता है लेकिन जड़ें नहीं छोड़ता। पत्ते जैसे दोस्त मत बनाना, फल के जैसे दोस्त मत बनाना कि पक गए, कीमत बढ़ गई तो चले गए। और मैं तो देख लेता हूं, अगर कोई मुझे छोड़ के गया है, उसको मुझसे कोई अच्छा मिला, वो मुझे छोड़कर चला गया, तो मैं बड़ा खुश होता हूं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, जीवन की इस मोड़ पर छोड़ा है, कम से कम अपन संभले तो हैं। और छोड़ा तो छोड़ा, उसका भाग्य, अपना क्यों चिंता करना, अपने को क्या चिंता करना। क्योंकि अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि लोग तुमसे रहें, तुम लोगों से ना रहो। आप मंदिर जाते हो तो यही बोलते हो कि भगवान हमसे है, भगवान आपसे नहीं है, आप भगवान से हैं। गुरु हमसे नहीं है, हम गुरु से हैं। जब भी कोई आपसे मिले, बात करे, संपर्क में आए, तब सबसे पहले यही सोचना ये कोई ना कोई काम निकलवाने आया है, मतलब है, इसीलिए आया है। ये दिमाग में रख के चलोगे एक तरफ तो ठगे नहीं जाओगे, फिर आपको साथी साथी मिलेंगे, स्वार्थी स्वार्थी नहीं मिलेंगे, स्वार्थी स्वार्थी नहीं मिलेंगे। ज्यादा दानवीर होने की जरूरत नहीं है, पंचम काल है, कर्ण चला जा चुका है, कर्ण जा चुका, अब ज्यादा जरूरत नहीं है। आप भी ऐसे ही करते हो, चार्जिंग हो जाए फिर चार्जर नहीं ढूंढते कहां पड़ा है, बोलो कौन ढूंढता है। अभी आप यहां पर इस बरसात के मौसम में अच्छी मिर्ची वाली पानी पतासे खाने खड़े हो, और हाथ में धोना हो या प्लेट हो, खाने के बाद जब तक पानी चाहिए तब तक वो कटोरी या वो धोना रखते हो, उसके बाद फेंक देते। अरे यहां तक कि वो जो पानी पूरी अंदर रखी है, जब काम निकल जाता है तो सुबह उसको छोड़ आते हो। लेकिन ये जो स्वार्थ है, पानी पूरी वाला, धोने कटोरी वाला, थाली वाला, ये जो स्वार्थ है, ये जीवन जीने के लिए आवश्यक है, किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए आवश्यक नहीं है। बहुत लोग मिलेंगे आपको, आपने भावुकता में उनको अपना मान लिया, और सबसे पहले उन्होंने ही धोखा दिया है। एक अंधा जन्मांध हो, जिसने जीवन में कभी देखा ना हो एक रंग, एक लाठी लेकर के वो चलता है, टेक टेक के, टेक टेक के चलता है। अगर कोई वरदान दे दे उसको कि तू देख सकता है तथास्तु, और देखते ही सबसे पहले वो लाठी फेंकेगा, ये स्वार्थी है। फेंकना नहीं था, कम से कम उस लाठी को देखता रखता कि जिंदगी भर का यही सहारा था। अपनी लाइफ में चेंज लाएं। राम जो थे वो साथी थे, वो स्वार्थी नहीं थे। लक्ष्मण जैसा भाई, क्या बात है। वनवास तो राम को हुआ था, निर्णय तो राम का था जंगल में जाने का, लक्ष्मण का थोड़ी ना था, लेकिन लक्ष्मण साथ में गए। इसीलिए राम लखन की जोड़ी है, शत्रुघ्न का नाम नहीं आता। भरत को तो राज्य देकर गए थे, तो उनकी मजबूरी थी। जो चौपाई लिखी गई है उसमें राम लखन सीता तीन के नाम चलते हैं, क्योंकि इनका रिश्ता जो था वो साथ का था, स्वार्थ का नहीं था। और आपका रिश्ता स्वार्थ का है। ध्यान रखना, जेब से अगर सिक्का गिर जाए तो सिक्का गिरने के पहले लोग दूर हो जाते हैं। जेब में छेद हो जाए और सिक्का गिरना हो तो सिक्का गिरने से पहले लोग गिर जाते हैं।
कि अब कुछ है ही नहीं। एक लड़का था, वो एक लड़की से प्रेम करता था। मैं आपको सुनी हुई अनुभूत कथा बताता हूं। लड़का लड़की से प्रेम करता था और अच्छा प्रेम था दोनों में, लेकिन लड़के को लगा कि कहीं ये वासना वाला प्रेम तो नहीं है। लड़के ने सोचा परीक्षा कर ले, गुरुजी के पास गया। गुरुजी से बोला, गुरुजी क्या करूं? गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरे पास जितनी संपत्ति है बोल दे उसको कि सब चली गई। बड़े भाई ने पूरा हड़प लिया, अब मैं रोड पर आ गया हूं, नौकरी कर रहा हूं 5,000 महीने की, तुझे मालूम चल जाएगा वो तेरा है कि नहीं। उसने प्रेमिका से यही बोला कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, बड़े भाई ने सब हड़प लिया है, अब मैं यहां नौकरी कर रहा हूं। लड़की ने फोन उठाना बंद कर दिया। गुरुजी के पास आया, गुरुजी आपने बात सही की थी, उसको मुझसे नहीं मुझे पैसे से प्यार था, उसको मुझसे प्यार नहीं था, उसको मेरे पैसे से प्यार था, स्वार्थ का संबंध है। वही वो मां से बोलता कि मां मां मेरा सब कुछ चला गया, मां अपना मंगल सूत्र उतार, कहती बेटा फिर से व्यापार कर ले। ध्यान रखना, अगर धर्म पत्नी होगी और तुमको नुकसान लगा है तो अपने जेवर तुमको दे देगी कि बेच दो मैं काला धागा पहन लूंगी, और अगर धर्म पत्नी पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं है, तो पूरा सोना उठा करके मायके भेज देगी कि जब ये व्यापार जम जाएगा वापस मंगा लेंगे। स्वार्थ की जिंदगी है, स्वार्थ की जिंदगी। आप किसको अपना मान रहे हो, किसको पराया मान रहे हो, एक बार सोचना, एक बार जरूर सोचना। जिसके ऊपर तुम क्रोध भी कर दो, डांट भी दो, फिर भी वो तुम्हारा साथ दे, तुम ऊंची आवाज में बोल दो फिर भी वो तुम्हारा साथ ना छोड़े, गलती ना हो तुम भी तो भी उसको सबके सामने गलत ठहराओ तो भी तुम्हारा साथ ना छोड़े, वही तुम्हारा है। इसीलिए जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, वो उसी शिष्य को अपना सब कुछ देकर के जाते हैं जो जिस पर उनको पूरा भरोसा होता है। जिसको जिस पर उनको पूरा भरोसा होता है वो उसी को देते हैं, विद्या भी उसी को देते हैं, चारित्र भी उसी को देते हैं, और अपना साम्राज्य भी उसी को देते हैं। किसको? जो शिष्य साथी होता है, भले ही दूर हो लेकिन पास हो, साथ में ना हो लेकिन पास में हो, यही बात है। स्वार्थी लोगों से बच के रहना। मेरा कहना है कि मिलने का वक्त यहां किसी के पास नहीं है। इस बात को हृदय में गुदवा लेना, टैटू बनवा लेना आप लोग का, कि मिलने का वक्त यहां किसी के पास नहीं है। ये स्वार्थ की दुनिया है, यहां अपना कोई नहीं है। जो लोग मिलने आ रहे हैं तुमसे, वो तुम्हारे है ही नहीं। तुम्हारे होते तो मिलने नहीं आते, तुम्हारे पास होते। एक व्यक्ति कहता है कि संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम साथ में हो तो संघर्ष की बात ही क्या है? कोई कह रहा है कि आप संघर्ष करो, बेटा मैं हूं, मैं तुम्हारे पीछे हूं। अरे पीछे क्यों, आप बगल में चलो ना, संघर्ष की बात ही नहीं रहेगी। बस इतना है कि जब प्लॉटिंग होती है ना, तो कोई प्लॉट नहीं खरीदता। जब उसमें मकान बन जाए, दुकान बन जाए, लोकेशन सेट हो जाए, सब लेने आते भैया हमें दो, तब समझ लेना। मैं आपको एक छोटी सी स्वार्थी कथा सुनाता हूं। एक आदमी, उसके मन में मनाया, मन में भाव आया कि एक मंदिर बनाना है, सुंदर मंदिर बनाना है, और उसके पास इतना पैसा था कि वो रोज सुबह कमाए रोज खाए, कभी ना कमाए तो भूखा सोना पड़ेगा, इतना पैसा नहीं था। अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने मन बना लिया कि एक मंदिर बनाना है। पत्नी कहती मेरी मां के पास चले जाओ, पत्नी कहती मेरी मां के पास चले जाओ, बहुत पैसा है मेरे पिता के पास, कुछ ना कुछ तो देंगे। उसको पता था कुछ मिलने वाला है नहीं, वो गया। जाते हुए रास्ते में वो रुका, रुकते समय वो सोचता है कि भैया सासू के यहां चलते हैं, कहीं नहीं रुकते। सासू ने देखा दमान साहब के पास कुछ नहीं है। देखो सास भी उसी का टीका करती ज्यादा पैसे का जो दमान साहब पैसे वाले होते हैं। सास ने गेट लगा लिया, ठेला लेके आए कुछ मांग के जाएंगे। वो लौट रहा था, उसकी पत्नी ने उसके लिए 3 रोटी और थोड़ा सा सामान रखा था कि अगर लेट हो जाओ तो खा लेना। तो उसने सब दुकानदारी लगाई, कुएं से पानी खींचने गया, तब तक एक
जानवर आया और उसकी पूरी रोटी ले गया। वो कहता है भाई भाई घी और ले जा, घी का क्या करूंगा। एक दादा आए बूढ़े से, कहते हैं बेटा क्या हो गया, क्यों परेशान हो। बोले कुछ नहीं, ऐसी ऐसी बात हो गई, बाकी कुछ नहीं मैं कर लूंगा, मैंने सोचा है मंदिर बनाना, मैं बना लूंगा। तो धीरे से वो दादा कहते हैं खाली हाथ मत जाओ, पीछे जहां रुके उसके पीछे एक बगान है जंगल में, बेरियां हैं, वो बेरी एक थैले में भर लेना, घर कुछ तो लेके जाओ। पत्नी देखती ओ इतना सारा सामान मेरी माँ ने भर भर के दिया है। पत्नी को पता तेरी माँ ने क्या दिया है, भटन का दिया है। चुपचाप पत्नी थैला ले जाके अंदर रखती है, थैला खोलती है, हीरे मोती सोने के सिक्के खजाना थैले के अंदर। पति समझ गया, पत्नी बोलती मेरी माँ ने भेजा है। पति समझ गया कि उसका नहीं, वो समझ गया वो जो रास्ते में बाबा मिले थे ना कोई देव था। अब पति गया हाथी में बैठ करके सास के पास। अब सासू माँ ने गेट खोला, चौक पूरा मोती का चौक, खाने में 56 भोग। वो बैठा भोजन करने, उसने रोटी उठाई गले की हार में लगाई, रसगुल्ला उठाया मुकुट में लगाया, बालूशाही उठाई अंगूठी में लगाई, रोटी उठाई नमकीन में लगाई, रोटी उठाई कंगन में लगाया। बोले सास कहती तम इतना पैसा आ गया इसलिए पागल हो गया है। बोले सुनो पागल नहीं हुआ हूं, तुझे बता रहा हूं, तू मेरी इज्जत नहीं करी, तू इसकी इज्जत करी, तू स्वार्थी है। तू मेरी इज्जत करती तो उस दिन तू गेट नहीं लगाती। पत्नी को उस दिन मालूम चला कि स्वार्थी कौन है साथी कौन है। आप भी परीक्षा कर लो ना बीच बीच में, नहीं भी चाहिए वो गाड़ी तो दोस्तों बोलने, गाड़ी चाहिए यार 2 लाख रुपए देना यार, जरा यार 20,000 रुपए देना, जरा कोई भी काम नहीं हो बोला 4-5 दिन में देता हूं, अगले दिन वापस कर देना, मालूम चल जाएगा तुम्हारा कौन है पराया कौन है। मांग लो ना धीरे से परीक्षा के लिए। मैं तो बहुत परीक्षा प्रधानी व्यक्ति हूं, मैं हर दिन हर व्यक्ति की परीक्षा करता हूं कि मेरे हो कि पराये हो। अगर तुम्हारा अपना होगा तो उसको डांट भी दोगे मार भी दोगे तो भी तुम्हारा ही रहेगा। बेटे को माँ और माँ बेटे को कितना कुछ नहीं बोल देते बचपन में, लेकिन फिर भी माँ नहीं छोड़ती, क्योंकि माँ स्वार्थी नहीं, माँ साथी है। इसलिए चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडीज हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, स्वार्थी के नहीं साथी के साथ रहे। ये नीति ध्यान रखना, अगर आपने मेरी नीति स्वीकार ली कभी विश्वास नहीं टूटेगा, कभी दुख नहीं होगा, कभी धन का अलाभ नहीं होगा, कभी मन में क्षोभ नहीं होगा, कभी धर्म से अश्रद्धा नहीं होगी, कभी जीवन में दुख नहीं होगा और गहरी चोट नहीं मिलेगी अगर तुमने साथी को जोड़ा है तो। और तुमने अगर स्वार्थी को जोड़ा है चोट मिलेगी। कुछ लोग मुझसे पूछते घर जाऊं तो मैं बोलता हूं कि चले जाओ, लेकिन मेरी इच्छा होती नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि वो रहता है तो अच्छा लगता है। लेकिन वो साथी है कि स्वार्थी, बात इतनी सी है। पैसा होना पद होना बड़ी बात नहीं है, एक सच्चा साथी आपके साथ हो बहुत बड़ी बात है। अपन सच्चे साथी की ओर आए, पैसे और पद वालों की ओर ना जाएं। शेष फिर कभी और देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।